गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स, आई एम शशांक सौमित्र। आज लास्ट क्लास में हम लोग ने पढ़ा था बॉर्नहेबर साइकिल के बारे में, है ना। वहाँ तक हम लोग ने कॉन्क्लूड किया था, उसके बारे में क्वेश्चन डिस्कस किया था। एक क्वेश्चन हम लोग ने जेई लेवल का डिस्कस किया था। आज हम लोग उसके आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग का जो टॉपिक है उसका नाम है फाजांस रूल। अब फाजांस रूल, फाजांस रूल हम लोग करते किस लिए है, क्या होता है फाजांस रूल? फाजांस रूल मेनली होता है किसी भी, अगर एक आयनिक कंपाउंड है तो आयनिक कंपाउंड का जो हम लोग का प्रॉपर्टीज होता है तो उसमें क्या है कि आयनिक प्रॉपर्टी बनाता है आयनिक कंपाउंड, लेकिन क्या होता है कि कुछ उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर भी होता है ना। ये सबसे बड़ा बात है कि उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर भी कुछ होता है। कोई भी बॉन्ड कम्प्लीटली आयोनिक नहीं होता है ना, ना ही कोई पर्टिकुलर बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड कम्प्लीटली कोवेलेंट होता है। कुछ उसमें आयनिक कैरेक्टर रहेंगे, कुछ उसमें आपको कोवेलेंट कैरेक्टर रहेंगे। तो आयनिक कंपाउंड में जो कोवेलेंट कैरेक्टर को हम लोग को जानना रहता है वो बताता है फाजांस रूल। फाजांस रूल के थ्रू हम लोग जानते हैं। अब ये होता क्यों है, देखिए पहले इसके बाद डिफाइन कीजिए क्या होता है फाजांस रूल। इट टेल्स अबाउट द कोवेलेंट कैरेक्टर प्रेजेंट इन आयोनिक कंपाउंड। अब ये होता क्यों है, ये हम लोग को बारे में जानना है। तो देखिए, ये मान लीजिए आपका कैटायन हुआ पॉजिटिव चार्ज, ये हुआ अनायन। आप लोगों को पता होगा कि कैटायन छोटा होता है और एनायन बड़ा होता है साइज में। तो होता क्या है, ये उसका नॉर्मल स्ट्रक्चर हुआ, लेकिन असली में क्या होता है कि कैटायन का जो पावर होता है वो पोलराइजिंग पावर होता है। पोलराइजिंग पावर के कारण क्या होता है, वो जो एनायन का जो क्लाउड है उसको अपने ओर खींचना चाहता है, उसको अट्रैक्ट करता है। इसके कारण क्या होता है कि कैटायन में डिफॉर्मिटी आता है। कैसे होगा, उसका शेप चेंज होने लगता है। जैसे ये देखिए, ये पॉजिटिव है, अब इनिशियल उसका शेप वो था, अब धीरे अपने तरफ से उसको खींचने लगेगा। ये उसका शेप डिस्टॉर्ट हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज उसके तरफ आ जाएगा, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ वो खींचने लगेगा। अब ये होता क्यों है, अब इस प्रॉपर्टी के कारण जो कोवेलेंट फाजांस रूल बता रहा है, कोवेलेंट कैरेक्टर के कारण बहुत सारा डिफरेंस होता है। हम लोग क्यों ये जान रहे हैं, है ना, इसलिए होता है क्योंकि इसके कारण जो कोवेलेंसी आता है, कोवेलेंट कैरेक्टर आता है आयनिक बॉन्ड में, उसके कारण क्या, उसका मेल्टिंग पॉइंट चेंज हो जाता है और उसका बॉइलिंग पॉइंट के बारे में हम लोग को आइडिया मिलता है कैसे कैरेक्टर होता है। अब इसको डिफाइन हम लोग कैसे करते हैं कि कैसे हम लोग को पता चलेगा क्या क्या उसका क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया आप देखते जाइए। पहले ये होता है पोलराइजिंग पावर, पावर ऑफ कैटायन। अब पोलराइजिंग पावर किसको पोलराइज कर रहा है, एनायन को पोलराइज कर रहा है। एनायन गेट्स पोलराइज। ये हुआ। अब होता कैटायन का पोलराइजिंग, पहले बात हम लोग देखेंगे कैटायन का पोलराइजिंग पावर, फाजांस रूल होता कैसे है। पहला है कैटायन का पोलराइजिंग पावर, ये डिपेंड किस पे करता है, पहला होता है साइज ऑफ कैटायन, डिपेंड करता है पहला साइज ऑफ कैटायन। अब साइज ऑफ कैटायन क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग पावर होता है। और जो पोलराइजिंग पावर होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है कोवेलेंट कैरेक्टर के। ये हुआ।
अब होता क्या है कि कैटायन का साइज जितना छोटा होगा उतना अच्छा उसका पोलराइजिंग पावर होगा, इसका साइज पे डिपेंड करता है। तो स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन मोर इज इट्स पोलराइजिंग पावर। ये हुआ। अब देखिए, अब जो हम लोग का ग्रुप का एलिमेंट है ना, वो उसके बारे में हम लोग देखते हैं, कुछ एग्जांपल हम लोग देखते हैं। जैसे हुआ Li प्लस, Na प्लस, पोटेशियम K प्लस। ये हुआ। अब इसमें से सबके सबसे छोटा साइज किसका होगा? सबसे छोटा साइज आपका Li प्लस का होगा, है ना। उसके बाद एन ए का होगा तो के, उसके बाद के प्लस होगा, तो पोलराइजिंग पावर भी इसका इसी ऑर्डर पे होगा। एल आई प्लस होगा, एन ए प्लस होगा, के होगा, के प्लस होगा। ये हुआ। अब दूसरा ग्रुप का, ये तो ग्रुप वन का होगा, ग्रुप वन ऑफ एस ब्लॉक। अब दूसरा ग्रुप लिखिए एम जी टू प्लस, बेरिलियम 2 प्लस, Mg 2 प्लस। अब ये दोनों में से देखिए कि किसका साइज देखिए कि बड़ा होगा। अब सबको पता है कि बेरिलियम का साइज सबसे छोटा होगा, तो बेरिलियम से ज्यादा ये होगा पोलराइजिंग पावर, फिर मैग्नीशियम का उसके बाद होगा, ये हम लोग का होगा। इसी में अगर आप ऐड कर दीजिए कैल्शियम को भी, तो कैल्शियम का भी छोटा होगा, तो पोलराइजिंग पाउडर पावर का ऑर्डर ये होगा आपका, ये ग्रुप टू के लिए एस ब्लॉक। हम लोग ग्रुप वन और ग्रुप टू ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा होता है आयनिक कंपाउंड फॉर्मेशन का कैपेबिलिटी ग्रुप वन और ग्रुप टू का ही होता है, तो उसी में हम लोग को देखना है कि आयनिक कंपाउंड जो फॉर्म कर रहा है तो उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होता है। ये हुआ पहला प्रॉपर्टी आपका। अब दूसरा आइए, ये पहला हो गया, अब दूसरा देखिए, इसी में कैटायन का ही हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। अब दूसरा क्या होगा, उस पर चार्ज कितना है, हम लोग देखना है चार्ज कितना होता है, चार्ज ऑन कैटायन, ऑन कैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग पावर। अब जान रहे हैं आप कि पोलराइजिंग पावर, हम पहले इसके पहले हम मैंने बता चुका है कि पोलराइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है कोवेलेंट कैरेक्टर का, तो इसमें जितना ज्यादा चार्ज होगा कैटायन पे, है ना, उतना ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगा। एग्जांपल देखिए, एक हुआ Li प्लस, दूसरा Mg2 प्लस, और फिर लीजिए Al3 प्लस। तो सबसे ज्यादा चार्ज किस में है, सबसे ज्यादा चार्ज Al3 प्लस में है, तो सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर Al3 में होगा, फिर Mg2 प्लस, फिर Li प्लस। ये हो गया आपका पोलराइजिंग पावर, ये हो गया सेकंड फंक्शन। अब देखिए थर्ड, इसी तरह से हम लोग और एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि देखिए Ca2 प्लस, Al3 प्लस, इसमें भी Al का चार्ज ज्यादा है ना, तो उसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा। ये देखिए, अब ये हो गया सेकंड। थर्ड आइए आप, थर्ड होता है जो इंपॉर्टेंट है ना, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है, बुक्स में भी आपका मेंशन रहता है, लेकिन सबसे बड़ा बात है कि ये समझ में नहीं आता है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये समझ नहीं आता है कि क्यों ये इसका मतलब क्या होगा। अब जैसे आप देखिए, स्यूडो का मतलब होता है कि झूठा, फॉल्स, ये टेंस टू, ये होता है इसका मतलब, स्यूडो का मतलब
जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा स्यूडो फोर्स, स्यूडो फोर्स क्या है, वो असली में फोर्स नहीं होता है, टेंस टू फोर्स रहता है ना, तो वही उसको मतलब होता है स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, जैसे आप जान रहे एआर नियॉन क्रिप्टॉन, अब इसका क्या होगा 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4p6, ये होता है हम लोग का नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन। अब होता क्या है कि अगर कोई भी कंपाउंड जिसका कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस की तरह है, नोबल गैस नहीं होना चाहिए वो, लेकिन नोबल गैस की तरह कॉन्फ़िगरेशन है, उसका क्या होगा, जनरल फार्मूला NH2 NP6 3D10। जिस भी ग्रुप का, जिस भी एलिमेंट का अगर ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया तो समझिए वो स्टेबल होगा, उसका पोलराइजिंग पावर बहुत ज़्यादा होगा, है ना। फॉर एग्जांपल आप देखिए कॉपर का Cu प्लस का देखिए, है ना, Cu का पहले देख लीजिए 29 होता है इसका ग्रुप, और इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1, ये होगा इसका। हम लोग को पता था कि 3d10 इसका डी ग्रुप में 4s2 होना चाहिए था, लेकिन 3d1 में इसका 10th ये 9 हो गया डी में, है ना, तो इसके कारण वो जंप कर जाएगा, आ जाएगा 3d10 अपना बना लेंगे, ये होगा इसका। अब Cu प्लस अगर देखेंगे तो ये क्या होगा, 4s से निकलेगा एक इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10, ये होगा। अब ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया आपका, स्यूडो कॉन्फ़िगरेशन हो गया 3s2 3p6 3d10, ये हो गया आपका स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। इसके कारण इसका पोलराइजिंग पावर बहुत हाई होगा। तो आपने देखा होगा ग्रुप में सबसे ज़्यादा होता है पोलराइजिंग पावर यही सब ग्रुप का होता है, Cu का होता है, Cu प्लस का होता है, उसके बाद Hg प्लस का होता है ना, फिर Au प्लस का होता है ना, ये सब का पोलराइजिंग पावर हाईएस्ट होता है, पोलराइजिंग पावर। अब क्या होता है कि जैसे क्वेश्चन जो भी होता है जेई मेंस का जेई एडवांस का, उस क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको एक ग्रुप दे देगा, कोई भी ग्रुप के साथ कंपेयर करेगा, कोई भी अदर एलिमेंट्स के साथ आयंस का कंपेयर करेगा Cu2 प्लस Hg प्लस और Au प्लस, इसके कारण वो फंसाने के लिए कोशिश करता है कि कंपेरिजन में, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट को ये पता नहीं रहता है, इसके कारण वो क्वेश्चन नहीं बना पाते हैं, है ना, या क्वेश्चन गलत हो जाता है। अब आगे देखिए, ये तो हो गया आपका कैटायन का, अब एनायन का भी कुछ प्रॉपर्टी होना चाहिए, है ना, क्योंकि कैटायन एनायन मिलके ही बन रहा है आपका आयनिक बॉन्ड। अब एनायन का आप प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए वो देखिए, अब एनायंस का प्रॉपर्टी देखिए, एनायन का पोलराइजिंग पावर, या बोलिएगा पोलराइज होने का पावर, द प्रॉपर्टी टू गेट पोलराइज्ड, ये हो गया, है ना, प्रॉपर्टी क्या होगा पोलराइज होने का, इसका क्या होगा पहला, इसका भी साइज होगा साइज ऑफ एनायन, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपको पोलराइजिंग पावर। अगर क्या होगा कि अगर आपका साइज ऑफ एनायन बढ़ गया, है ना, साइज आपका अगर बढ़ गया इसमें, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है larger is the anion size
इट हैज मोर पोलराइजिंग पावर। ये हो गया है ना। अब इसमें देखें, इसमें अनायंस का साइज ऐसे देखिए आपको, एग्जाम्पल देता हूँ, फिर अगला प्रॉपर्टी में आई, जैसे एनायन का साइज आपको हम बता रहे हैं सी एल माइनस एफ माइनस, ये दोनों ही कंपैरिजन कीजिए। अब क्या है कि आपको पता है कि फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा होता है ना, तो होगा क्या कि फ्लोरीन का सबसे ज्यादा तो साइज होगा आपका सीएल का, सीएल माइनस और फ्लोरीन माइनस, फ्लोरीन सबसे छोटा होता है, सीएल बड़ा होता है, तो सीएल का पावर ज्यादा होगा पोलराइजिंग पावर। ये हो गया पहला प्रॉपर्टी। अब दूसरा प्रॉपर्टी आइए, इसमें भी है सेम चार्ज ऑफ एनायन, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है पोलराइजिंग पावर। जितना ज्यादा चार्ज होगा एनायन पे उतना ज्यादा उसका पोलराइजिंग पावर होगा, ये भी डिपेंड करता है। तो हम लोग को ये जानना है ना, चार्ज जितना ज्यादा होगा पोलराइजिंग पावर उसका ज्यादा होगा। अब कुछ एग्जांपल हम लोग देते हैं जिससे आपको समझ में आएगा। देखिए एक एग्जांपल इसमें लिख लें, क्वेश्चन लिखिए, कोवेलेंट कैरेक्टर या कंपेयर कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ फॉलोइंग। पहला लिखिए LiCl NaCl KCl और RBCl, ये हो गया है ना। अब आपको इसमें से कंपेयर करना है कि क्या है। अब देखिए ग्रुप वाइज आप जाइए इसमें Li Na K RB, आपको पता है डाउन द ग्रुप साइज हम लोग का इंक्रीज करता है क्योंकि नया शेल ऐड होता है, साइज इंक्रीजेस। तो इसमें जो कैटायन बनेगा मान लीजिए Li प्लस बनेगा, Na प्लस होगा, K प्लस होगा, Rb प्लस होगा, ये कैटायन बनेगा। अब यहाँ पर देखिए आपको Cl में Cl हर जगह Cl है तो आपको एनायन में दिक्कत नहीं है, एनायन सेम है हम लोग का, एनायन से कंपेयर नहीं कर रहे। अब चार्ज देखिए सब में चार्ज आपका प्लस वन है, प्लस वन चार्ज है, तो इसमें भी आपको दिक्कत नहीं है क्योंकि सब में प्लस वन चार्ज है, चार्ज कभी नहीं है। अब कौन सा फैक्टर आपको काम आएगा, साइज ऑफ कटायन में, जो हम लोगों ने पहले पढ़ा है कि इनवर्स उसमें प्रोपोर्शनल, जितना छोटा कटायन का साइज होगा उतना ज्यादा उसका पोलराइजिंग पावर होगा। तो ज्यादा पोलराइजिंग पावर किसका है, सबसे छोटा साइज है Li का, डाउन द ग्रुप बढ़ता है हम लोग का साइज, तो Li होगा, Na होगा, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम। तो साइज का ऑर्डर क्या होगा, ये होगा LiCl होगा, फिर NaCl, KCl, फिर RBCl, ये हो गया हम लोग का पहला। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए, BeCl2 MgCl2 CaCl2। अब इसमें देखिए आयंस क्या बनेगा, Be2+ Mg2+ Ca2+, ये बनेगा। सब में क्लोरीन एनायन है तो क्लोरीन एनायन का हम लोग को टेंशन नहीं लेना है क्योंकि सेम ही है, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए साइज आपका चार्ज भी तीनों में सेम है, Be2+ Mg2+ और कैल्शियम 2+ है ना, तो इसमें भी हम लोग को चार्ज में भी दिक्कत नहीं होगा। अब क्या है कि आपको इसका साइज देखना है ना, साइज कैटायन का क्या होता है आप जान रहे हैं, बेरिलियम मैग्नीशियम
कैल्शियम, है ना। अब डाउन द साइज, आपका डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज करता है, तो सबसे छोटा कौन होगा, बेरिलियम, फिर मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, तो इसका भी क्या होगा ऑर्डर कोवेलेंट का, BCl2, MgCl2, CaCl2। ये हो गया दूसरा एग्जांपल। अब आगे एग्जांपल देखिए, एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। हो गया जैसे BeF2, MgF2, है ना, ये हो गया। अब देखिए इसमें क्या है कि दोनों में F2 है, उसमें भी आपको दिक्कत नहीं है। Be इसमें भी फिर वही होगा, एनायन बनेगा इसका Be2+, Mg2+। अब इसमें भी सेम साइज का बात है, तो Be2 का साइज स्मॉल होगा Mg से, तो कोवेलेंट कैरेक्टर BeF2 का ज्यादा होगा MgF2 से। अब ये देखिए आपको, अब समराइज उसको कर लीजिए। फैजान रूल का उसको समराइजेशन कर लेते हैं हम लोग। केटायन का साइज स्मॉल, अगर ये साइज स्मॉल होगा तो पोलराइजिंग पावर बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। दूसरा केटायन पर चार्ज, अगर ये चार्ज ज्यादा होगा पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा। तीसरा स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ये अगर ज्यादा होगा तो भी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा। हो गया कैटायन का बात। अब एनायन का आइए, एनायन साइज, ये अगर एनायन साइज ज्यादा होगा पोलराइजिंग पावर आपका ज्यादा होगा, एनायन पे चार्ज अगर ज्यादा होगा तो पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा। ये हो जाएगा, ये इसका समरी। अब देखिए समराइज हो गया, अब आपको एप्लीकेशंस का जानना है कि ये कहाँ यूज होता है, है ना। अगर मान ली हम लोग फैजान रूल्स अप्लाई कर रहे हैं, तो फैजान रूल का एप्लीकेशन क्या है, वो एप्लीकेशन जानिए। अब देखिए एप्लीकेशन क्या क्या होता है, पहला मेल्टिंग पॉइंट, कंपाउंड्स हैविंग मोर कोवेलेंट कैरेक्टर has
लेस मेल्टिंग पॉइंट, और बॉइलिंग पॉइंट भी सेम इसी पे डिपेंड करता है। होता क्या, देखिए हम लोग को पता था कि कोवेलेंट जो कैरेक्टर हम लोग को होता है ना, जो भी कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, कोवेलेंट कंपाउंड, उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आयनिक कंपाउंड से हम लोग को कम मिलता है। कोवेलेंट का कम होता है, आयनिक का ज्यादा होता है, हम लोग ये पढ़ चुके हैं हमेशा। अब इसके कारण क्या होता है, अब आप भी जान रहे हैं कि ये हो गया आपका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। तो कहने का मतलब है कि आयनिक कंपाउंड का जितना कोवेलेंट कैरेक्टर उसमें होगा आयनिक कंपाउंड में, उसका उतना मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, है ना। और जिस कंपाउंड का आपको आयनिक कंपाउंड ज्यादा होगा, आयनिक कैरेक्टर कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होगा या ज्यादा होगा, है ना। ये उसका आपका डिपेंड। आप दूसरा चीज है सॉल्युबिलिटी पे, आपको पता है कि कोवेलेंट जो कंपाउंड है उसका सॉल्युबिलिटी इन वाटर बहुत कम होता है, बहुत कम ही ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि अच्छा से मिक्स हो जा पाते हैं पानी में, या पानी में उसका सॉल्युबिलिटी कम होता है। उसके कारण क्या होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं सॉल्युबिलिटी। कहने का मतलब है कि जितना कोवेलेंट कैरेक्टर होगा उतना कम सॉल्युबिलिटी होगा, है ना। जैसे कि हम लोग को देखिए कोई भी आयनिक कंपाउंड का Na+ हुआ, Cl- NaCl हुआ, ये वाटर में आसानी से घुल जाते हैं डिसोसिएट करके Na+ या Cl- आयन दे देते हैं, है ना, इजिली ये सॉल्युबल हो जाते हैं। लेकिन कोई भी आप कोवेलेंट कंपाउंड लीजिए, है ना, वो बहुत कम ही कंपाउंड है जो कि इजिली सॉल्युबल होते हैं, वो बहुत कम ही कंपाउंड सॉल्युबिलिटी शो करते हैं, है ना। ये उसका बात हुआ। अब देखिए तीसरा कैरेक्टर हुआ उसका, अब तीसरा आता है कि आप जान रहे, जैसे कि कोई भी उसका कंपाउंड हुआ उसका कलर इम्पार्टिंग कैरेक्टर हम लोग को जानना है, है ना। कलर इम्पार्टिंग कैरेक्टर भी फजांस रूल के कारण आता है। इसका क्या देखिए होगा, मोर द कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ कंपाउंड, मोर इज द कलर इम्पार्टिंग नेचर। कहने का मतलब है कि कोवेलेंट कैरेक्टर का जो कलर इम्पार्टिंग नेचर है, जितना ज्यादा कोवेलेंट कंपाउंड होगा, है ना, उसमें कोवेलेंट नेचर जितना ज्यादा होगा उसके कारण हम लोग का कलर का बढ़ जाएगा, इम्पार्टिंग कलर कैरेक्टरिस्टिक बढ़ जाता है ना। ये हो गया एप्लीकेशंस, ये सब हुआ एप्लीकेशंस। अब कुछ और क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं फजांस रूल से। अब देख लीजिए क्वेश्चंस है, अब सॉल्युबिलिटी पे हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। सॉल्युबिलिटी ऑर्डर आप लोग को निकालना है। पहला FeOH O3, है ना, और दूसरा है FeOH होल क्यू। अब देखिए दोनों में OH माइनस है, अभी डिसोशिएट होगा, ये डिसोशिएट होगा Fe3+ में, और ये डिसोशिएट होगा आपका Fe2+ में। अब OH माइनस दोनों में है, OH माइनस आयन है, एंड आयन आपका OH माइनस है, यहाँ भी उसके कारण क्या होगा, OH- एनायन से इसको कोई दिक्कत नहीं है, है ना। दोनों में Fe है आपका, तो कैटायन का भी हम साइज से हम लोग को मतलब नहीं होगा क्योंकि कैटायन सेम है। अब देखिए जो मेल डिपेंड करेगा उसका चार्ज से, Fe3+ का 3+ चार्ज है, Fe2+ में 2+ है,
चार्ज आपका। तो अब क्या है कि हम लोग जैसे पढ़े थे फजान्स रूल में कि जितना ज्यादा उसका कैरेक्टर होता है, जितना ज्यादा चार्ज होता है, उतना ज्यादा पोलराइजिंग पावर होता है, उतना कोवेलेंसी शो करता है, उतना कोवेलेंट कैरेक्टर रहता है। तो इसमें ज्यादा क्या होगा आपका एफ यू एच ज्यादा होगा, एफ यू एच होल थ्री ज्यादा होगा आपका सॉल्युबल होगा एफ ई ओ एच होल टू से, ये कम होगा सॉल्युबल नहीं ज्यादा होगा। तो ये होगा क्वेश्चन। अब कुछ क्वेश्चन आपके लिए दे देते हैं, वो आप ट्राई कीजिएगा खुद से। Ag2O और Ag2S, इसमें सॉल्युबिलिटी ऑर्डर ये पहला ये हो गया आपका, दूसरा AgF, AgCl, AgBr, AgI, इसमें से आप करना है कलर कैरेक्टर, कलर इम्पार्टिंग कैरेक्टर। ये आपको देखना है, ये कंटिन्यू कीजिएगा, फिर हम लोग अगले क्लास में इससे आगे हम लोग पढ़ाई करेंगे। थैंक यू।